भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा भले ही फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन फिर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अनुष्का शर्मा अभी अपने पति विराट कोहली और टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लिश टीम पर शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद अनुष्का ने भी टीम इंडिया और विराट कोहली को बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को टेस्ट मैच के आखिरी दिन 151 रनों से हरा दिया। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में मैच की जीत के कई पलों की तस्वीरों को शेयर किया है। अनुष्का ने इसमें भारतीय टीम की जीत पर खुशी मनाते हुए विराट कोहली की तस्वीर को भी शेयर किया और उसके साथ लिखा, क्या जीत है, क्या टीम है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपनी बेटी वामिका के पेरेंट्स बने हैं। उसके बाद से ही अनुष्का लगातार अपने पति के साथ और बेटी का ख्याल रख रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा पिछली बार शाहरुख खान और कटरीना कैफ के साथ फिल्म जीरो में नजर आई थी। इसके बाद से अनुष्का ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। हालांकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अनुष्का शर्मा इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक कर सकती हैं, मगर इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पहली बार एक शैम्पू के लिए टीवी एड की शूटिंग पर मिले थे। इस एड के बाद ही दोनों को हमेशा एक साथ देखा जाने लगा। वैसे ऐसा नहीं है कि अनुष्का ने विराट को इतनी आसानी से पसंद कर लिया था। दोनों ने ही काफी सोच समझकर एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। अनुष्का शर्मा जब विराट के साथ पहले एड शूट कर रही थी तो उसकी शूटिंग 3 दिन तक चली थी। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अनुष्का के साथ शैम्पू का ऐड किया, क्योंकि इसी ऐड के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी। विराट ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ काफी मजाक करते थे और इसके बाद उनकी आपस में बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। लगभग 5 साल डेट करने के बाद 11 दिसंबर 2017 को विराट और अनुष्का ने अपने परिवार और नजदीकी दोस्तों की मौजूदगी में इटली में शादी कर दी। शादी के बाद भी ये कपल लगातार चर्चा में बना रहता है।